हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आप सभी का जोशावर काउंसलिंग शुरू हो चुका है, तो उम्मीद है कि मेरे चैनल पे जो जोशावर काउंसलिंग का वीडियो है वो आप देख करके समझ चुके होंगे उसे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो कई सारे और भी चैनल्स के वीडियोज़ हैं, उन्हें तो आप देख करके जरूर अपना चॉइस फिलिंग भी शुरू ही कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं जहाँ जहाँ भी आपको डाउट हुआ है काउंसलिंग के ऊपर लेकर के, कई सारे आपके मन में सवाल आया, कन्फ्यूजन आया कि ये कैसे होगा, ये कैसे करना चाहिए, और ये डाउट मैंने कहाँ से कलेक्ट किया, जो आप ही लोग का मेरे उस वीडियो पे जोशावर काउंसलिंग प्रोसीजर का जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर लगभग जो आप लोगों का 200-300 कमेंट है, वही सारा कमेंट पढ़ करके मैंने कई लोगों को रिप्लाई भी कर दिया था, और कई लोगों का जो कलेक्टिव डाउट था उसे कलेक्ट करके मैंने एक वीडियो ही बना दिया जो आप में से कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ही सभी लोगों का डाउट है और आप ही लोगों के लिए आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है इस चैनल पे, वो नए हैं, तो इस चैनल पे आपका जेई का प्रिपरेशन का टिप्स से लेकर के काउंसलिंग रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो गया, आपका कॉलेज का रिव्यूज हो गया, सारा इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल कंटेंट आता रहता है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा चैनल से। तो पहला सवाल जो आप लोगों में से कहीं ने पूछा है कि मुझे आखिरकार डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है, काउंसलिंग शुरू होने से पहले, शुरू होने के समय, या फिर सीट अलॉटमेंट के बाद। तो जिस भी राउंड में आपका सीट अलॉट होगा, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई भी राउंड में आपका सीट अलॉट होगा, जिस भी राउंड में आपको फर्स्ट सीट अलॉट होता अपग्रेड होने के बाद, नहीं, पहला सीट आपको जब भी अलॉट होता है, उस केस में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी ऑप्शन चूज करिए, स्लाइड चूज करिए, फ्रीज चूज करिए, फ्लोट चूज करिए, पर आपको डॉक्यूमेंट तभी अपलोड करना पड़ेगा जब आपको पहला सीट अलॉट होता है जिस भी राउंड में। दूसरा सवाल आपका कि अगर मैं सिक्स्थ राउंड तक चला जाता हूँ, इस बार आपका सिक्स राउंड में काउंसलिंग हो रहा है, पहले आपका सेवन राउंड तक होता था, तो अगर मैं सिक्स राउंड में पार्टिसिपेट कर गया और मुझे सिक्स राउंड में कुछ ऐसा कॉलेज मिल गया जो मुझे लेने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूँ अब? तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप सीसा में पार्टिसिपेट कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। लोगों के मन में कन्फ्यूजन ही है कि मैं क्या करूँ, अगर मैं सिक्स राउंड में चला जाता हूँ और मैंने जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है वो मेरा वापस होगा या नहीं होगा। तो दो ऑप्शन मैंने कहा कि पहले आप सीसा में पार्टिसिपेट अगर कर लेते हैं तो जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है वो आपका कॉलेज फी में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, अगर आपका सीसा में कोई आपके अकॉर्डिंग सीट मिल जाता है तो। दूसरा, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं आप काउंसलिंग के प्रोसेस में, मीन्स आप सीसा में भी नहीं जाना चाहते, तो आपको क्या होगा, कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट होता है अराउंड 5000 के अराउंड, और बाकी आपका रिफंड हो जाता है। अगला सवाल आप लोगों ने ये पूछा है कि क्या मुझे हर राउंड में स्लाइड या फ्लोट का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मुझे सेकंड राउंड में NIT पटना का इलेक्ट्रिकल अलॉट हो जाता है, ठीक है, और मैंने फिर फ्लोट चूज कर दिया, तो क्या वो फ्लोट आपका सिक्स राउंड तक चलता चला जाएगा, या फिर मान लेते हैं सेकंड राउंड में अगर NIT पटना का इलेक्ट्रिकल मिला था मुझे और वहीं पर थर्ड राउंड में मुझे NIT इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, तो क्या मैं उससे भी हायर प्रायोरिटी की मुझे जाना, तो क्या मुझे फिर से फ्लोट चूज करना पड़ेगा, या मैं ऑलरेडी एक बार चूज कर चुका वही कंटिन्यू होता जाएगा? जी नहीं, आपको जब NIT इलाहाबाद अलॉट हुआ उस केस में भी आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन स्लाइड है या फ्लोट है या फ्रीज है। अगला सवाल जो मैं ऑलरेडी आप लोगों का आंसर कर चुका था वीडियो में, फिर भी बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे, अलग अलग वीडियो में ये कमेंट आ रहा था, तो सवाल ये था आपका कि अगर मैं फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन चूज करता हूँ कोई भी कॉलेज मिलने के बाद, तो जैसे ही मैंने फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन चूज किया तो क्या वो मेरा सीट अब रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, वो सीट अब मुझे नहीं मिलेगा? तो आप ये बात समझ लीजिए, अगर आपने फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन चूज किया है तो जब तक आपको अगला सीट नहीं नया मिल जाता है तब तक वो सीट आपका रिजर्व रहेगा। मींस अगर आपने सेकंड राउंड में जैसे बताया था NIT पटना का इलेक्ट्रिकल मिला आपको और आपने फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लिया, तो जब तक आपको NIT पटना के अलावा कोई और कॉलेज नहीं मिलता, अगर मान लेते हैं सिक्स राउंड तक भी आपको कोई नया कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपका वो सीट रिजर्व ही रहेगा। मींस आप एडमिशन जाकर ले सकते हैं NIT पटना के इलेक्ट्रिकल में, पर वहीं आपका फोर्थ राउंड में या फिफ्थ राउंड में या सिक्स राउंड में आपको NIT इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, तो फिर आपका NIT पटना का इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। और एक ये आप लोग पूछ रहे थे कि भैया चॉइस मुझे कब लॉक करना चाहिए, तो देखिए अभी आपका 14th या 15th तक आपका चलेगा चॉइस लॉक करने का ऑप्शन, लास्ट डेट आपका वो है चॉइस फिलिंग का 14th या 15th आई थिंक, तो आप आराम से लास्ट डे में ही करिएगा। लास्ट डे में आई थिंक शाम का 5 बजे तक समय होगा आपका, सुबह में कर दीजिएगा, पर आप लास्ट डे तक वेट करिएगा, ठीक है ना, कि हो सकता है माइंड आपका चेंज हो जाए, आप कई जगह रिसर्च कर रहे होंगे, कुछ दूसरा ओपिनियन आपको मिल जाए, तो आप लास्ट डे में, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लास्ट डे में ही आप चॉइस को लॉक करिएगा अपना। और अगला एक ये पूछ रहे थे आप लोग मुझसे कि क्या मुझे हर एक राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा जब भी मुझे नया कॉलेज अलॉट होता, तो नहीं भी ऐसा नहीं, आप समझ रहे हो, 6 राउंड है, 6 राउंड में आपको अलग अलग कॉलेज अलॉट हुआ, तो आप 35-35 करके जोड़ लीजिए कितना आपको फी पे करना पड़ेगा, पूरे कॉलेज का फी से ज़्यादा भी आपको फी पे करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, जब भी फर्स्ट टाइम आपको सीट अलॉट होगा उसी समय आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ता है। और नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग सवाल था, मैं चाहता तो अपने कन्वीनियंस के लिए उसे मैं छोड़ भी सकता था, पर मैंने कोशिश किया उसका जवाब पाने का, और जो जवाब मुझे मिला वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये सवाल ये था, क्या भैया मुझे जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए JEE Mains का कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी है या नहीं?
तो आप ये देखिएगा जोसा के जो आपका बिजनेस रूल्स उसने पब्लिश किया है उसमें उसने ये लिखा है कि यू नीड टू सिक्योर अ रैंक इन जेई मेंस टू पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग, जेई मेंस या जेई एडवांस में आपको एक रैंक सिक्योर करना पड़ेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये उसने नहीं लिखा कि आपका कट ऑफ वगैरह कुछ मेंशन नहीं था उसमें। तो यहीं पर मैंने जिन बच्चों का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था उन्हें मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो उनसे मुझे पता चला कि जिनका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ उन्हें रैंक नहीं अलॉट हुआ। अब पता नहीं, मैंने तो दो बच्चे से कॉन्टैक्ट किया जिनका कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था, दोनों मुझे यही बताया कि नहीं भाई मुझे कोई रैंक अलॉट नहीं हुआ है। तो हो सकता है पता नहीं कुछ क्या उनका क्राइटेरिया हो कि नहीं भाई इतने तक ही रैंक बनाना या कहाँ तक रैंक बनाना, पर आप ये समझ लीजिए कि जो कट ऑफ नहीं क्लियर था दोनों बच्चा का, दोनों का रैंक नहीं बना हुआ था, तो मीन सिंपल था कि वो जोसा के काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रैंक अलॉटेड है तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो जनरली मैं ये देख रहा हूँ कि जो क्वालिफाई किए हैं कट ऑफ आपका उन्हीं को रैंक अलॉट किया गया। और अगला सवाल ये लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर मैं कितना चॉइस भर सकता हूँ, लगभग 600 के अराउंड आपका जो भी चॉइस होगा फिलिंग का ऑप्शन आपको होगा। अगर आप एडवांस क्वालिफाई किए हैं तो आई थिंक आपका 600 के अराउंड आपका ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका कितना ऑप्शन आप भर सकते हो उसमें, क्या उससे कुछ नुकसान है कुछ फ़ायदा है? तो आप सीधा बात समझ लीजिए, आप 400 भरिए, अगर 600 उसमें ऑप्शन है तो आप 600 का 600 भर दीजिए, या सिर्फ आप एक ही भरिए, उससे जो सा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ऐसा आप देखिएगा कि नहीं भाई कुछ वो डिमेरिट है लूप होल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहे उतना ज़्यादा भर सकते हैं, जितना कम चाहे उतना कम भर सकते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत या नुकसान क्या, फ़ायदा क्या हो सकता है आपको ये समझ लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो आपको ये हो सकता है कि जो कॉलेज आपको मिलने वाला है उन कॉलेज को आप ऑर्डर अच्छे से डिसाइड आप नहीं कर पाए, क्योंकि जो कॉलेज आपको नहीं भी मिलने वाला है उसको भी काफ़ी ज़्यादा आप कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका ये हो सकता है कि जो मिलने वाला कॉलेज है उसमें आप अरेंजमेंट को गड़बड़ा दीजिएगा, तो आपका काउंसलिंग फिर खराब हो सकता है कि जो मिलने वाला कॉलेज वो भी नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस भरने का ये थोड़ा सा आपका रिस्क रहता है, ठीक है, कि आप ऑर्डर अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाइए। और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं भरी है कि हाँ भाई जो मिलने का चांस है वो भी आप नहीं भर पा रहे हैं, कि आपने पिछले साल 35,000 पे क्लोजिंग रैंक आया था और मेरा 37,000 इस बार रैंक आया है, तो मैं तो 35,000 वाले भरूंगा नहीं क्योंकि मुझे मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, इतना 2,000-3,000 रैंक आप गैप लेकर के चलिएगा और उसी अकॉर्डिंगली आप अपना चॉइस फिल करिएगा। और चॉइस फिलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैंने आपको बता दिया उसमें कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना, कैसे आपको लिस्ट प्रिपेयर करना। एक बार जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और यहीं पे एक और बात आपका कि जोसा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका भी मैंने एक स्पेशली वीडियो बना रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए एडमिशन के समय, और क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायरमेंट होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका, उसको भी आप जाकर के देख लीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा तो आप उसी के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने जोसा के ऊपर जैसे आपका डाउट को लेकर एक वीडियो बनाया वैसे ही मैं जोसा के डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है उसके ऊपर भी एक अलग से स्पेशली वीडियो बना दूंगा आपका। जो भी आपके डाउट्स होंगे, इंपॉर्टेंट डाउट्स जो होंगे, उनको मैं सारे चीज़ों को उनमें आंसर कर दूंगा जैसे भी आपका जोसा काउंसलिंग में कर रहा हूँ। तो बेल आइकन दबा करके अपडेटेड जरूर रहिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो जाए। तो चलिए अब अगला सवाल आपका, तो आप लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी आप पे करते हैं उसका क्या होता है, वो मुझे रिफंड होता है या नहीं होता है। देखिए, जब भी आप किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएगा तो आपने ऑलरेडी जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया है वो आपका कॉलेज का जो एडमिशन फी ट्यूशन फी सारा होगा आपका टोटल फीस उसमें वो ऑलरेडी मैनेज हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। अगर आपका एक्स्ट्रा अमाउंट हो जा रहा है, जैसे हो सकता है कई लोगों का फ्री रिमिशन होगा एससी एसटी का या फिर ओबीसी है जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 लाख के बिलो इनकम है तो उनका फ्री रिमिशन हो जाता है, 100% ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है। तो अगर आपने ऑलरेडी जोसा के काउंसलिंग तक में आपने जो आपको फी लग रहा है कॉलेज में उससे ज़्यादा फी आपने ऑलरेडी जमा कर चुका है जोसा के थ्रू, तो फिर जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होगा तो जो भी आपने फी ऑलरेडी जोसा के थ्रू जमा कर दिया वो आपका कॉलेज में एडमिशन के समय वो कंपनसेट हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल आप लोगों का ये था कि क्या मैं सीसैम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ बिना जोसा में पार्टिसिपेट किए? तो जी हाँ, आप सीसैम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जोसा में बिना पार्टिसिपेट किए भी। और अगला सवाल कुछ लोगों को बहुत ही थोड़ा अजीब कन्फ्यूजन था कि अगर भैया मैंने इस साल मुझे जोसा के थ्रू जो भी सीट अलॉट होता है उसे मैं अगर रिजेक्ट कर देता हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर देता हूँ, तो क्या मुझे फिर अगला साल में जोसा में पार्टिसिपेट करने एलिजिबल रहूँगा? तो भैया बिल्कुल रहेगा, आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सीट विदड्रॉ कर लिया, रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप अगले साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगला सवाल तो आप में से कई लोगों का ही था कि भैया इस बार 7 के बजाय 6 राउंड में ही काउंसलिंग हो रहा है, तो यह कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहले का भी अगर कट ऑफ देखिएगा, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखिएगा, तो होता क्या था 7 राउंड में भले काउंसलिंग होता था तो आपको ऐसा नहीं था कि 5th या 6th राउंड में कट ऑफ बहुत वैरी कर गया, क्लोजिंग रैंक बहुत वैरी कर जाता, नहीं, 5th और 6th राउंड में आप देखिए कट ऑफ लगभग स्टेबल ही रहता था। अगर आपका 5th राउंड में उस ब्रांच का क्लोजिंग 500 रैंक है तो 6th राउंड में क्या होगा आपका, या तो 500 ही रह जाता था या फिर 500 से 600 रैंक चला गया, और वहीं पर 7 राउंड में आपका सीधे 600 से 1000 प्लस चला जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे 6th राउंड में तक में एग्जिट करने का ऑप्शन रहता था और इस बार आपका 5th राउंड तक ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। क्योंकि पहले भी ये होता था कि भले 7 राउंड में था तो ऐसा नहीं था कि 5 या 6 राउंड में ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं आता था कट ऑफ में, डायरेक्ट वो 7th में ही आता था। तो इस बार भी वही होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका 6th में ही आएगा क्योंकि आपका 5th तक एग्जिट करने का ऑप्शन है। और दूसरा, आपका सीट वगैरह
कुछ इंक्रीज किया है शेयर आपका तो वो भी थोड़ा कंपनसेट करेगा, तो ऐसा कुछ खास मेजर डिफरेंस आपका नहीं आना चाहिए। तो चलिए, आपके जो भी सवाल मेरे नज़र में आए मैंने उनका जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके कई सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो गए होंगे। फिर भी आपका कुछ अलग से डाउट बच गया तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। और हाँ, अगर वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा तो फिर ये आपका भी काम है कि मुझे भी आप भरपूर बेनिफिट पहुंचाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा ताकि हमेशा मैं आप तक इस तरह से बेनिफिशियल कंटेंट पहुंचाता रह सकूं। और जिन लोगों का इस बार बेटर स्कोर नहीं आ पाया और वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं क्या मैं किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लूं, उन्हें मैं ये चीज़ सजेस्ट करूंगा, मेरा एक वीडियो बना हुआ आपका रियलिटी ऑफ ड्रॉपर या फिर इस ड्रॉप गुड ऑप्शन, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया, काफ़ी अच्छे से मैंने सारे चीजों को उसमें एक्सप्लेन किया, बहुत ही ज्यादा वो वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। तो वो वीडियो भी आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका आई बटन में भी ऊपर लिंक दिया हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।